इस टाइम हम जम्मू के रेलवे स्टेशन पे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से जी ड्राइवर लोग लॉकडाउन के दौरान और एकदम लॉकडाउन लगने के बाद कामकाज बंद होने के बाद आप देख सकते हैं जिस तरह से हम जम्मू के रेलवे स्टेशन पे आप देख सकते हैं कि ये एकदम आप कह सकते हैं कि बिना कामकाज ना कोई सवारी ना कुछ। जब अपनी बुरी हालत इनकी हम देख सकते हैं कि जैसे कि आप जिस तरह ये देखिए ये और जो रोज़ सुबह आते हैं सवारी का इंतज़ार करते हैं और बैठकर चले जाते हैं। कई लोगों को तो कितनी बुरी हालत है आप देख सकते हैं जी। आप कुछ लोग ये आप देखिए आप ये सुबह का टाइम है और अभी लोग कुछ आके और सो के चले जाते हैं। ये आप देख सकते हैं जिस तरह से ये ड्राइवर की बुरी हालत आप देख सकते हैं कि रोज़ सुबह सुबह का टाइम अभी आके बैठ के चले जाते हैं। और हम आपको दिखाएंगे कि जिस तरह से आप ये टैक्सियों की तादाद ये आप देख सकते हैं। इस टाइम हम जम्मू के रेलवे स्टेशन पे हैं। आप देख सकते हैं जी ड्राइवर आप आइए हम एक टैक्सी ड्राइवर से पूछते हैं कि क्या हालत है। सर आपका नाम? नाम BM शर्मा। BM शर्मा जी बताएंगे आपको कितनी देर हो गया जी टैक्सी चलाते हुए और 50 साल हो गया जी गाड़ी। और कभी किसी तरह कभी ऐसी हालत कभी देखी आपने? कभी नहीं देखी हमने। क्या इस टाइम क्या पोजीशन आपकी जब बताएंगे सर? पोजीशन ये है कि यहाँ पर कोई काम नहीं कुछ नहीं, लोगों बेरोजगारी बड़ी है, कोई पूछता नहीं कोई बात नहीं, हमारी पार्किंग इतनी दूर है, गाड़ी के इतने टैक्सी वगैरह जितने हैं वो नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए लोग हमारे तो एक दो आदमी सुसाइड भी कर चुका है इसी बारे में टेंशन हो गई। इसलिए हम ये कहते हैं कि यहाँ इनके लिए कुछ मुआवजा दिया जाए। 2 साल हो गए कोई गाड़ी नहीं चलती कुछ नहीं, इसलिए हम ये तो कोई लीडर नहीं कोई कुछ नहीं आता, सिर्फ पूछते हैं कि हाँ जी ये है, यहाँ पार्किंग हमें देनी नहीं पड़ती, जेब से पैसे दे रहे हैं। ऐसे है कि हमारा जो सोचना चाहिए गवर्नमेंट ने उसको, ये आ जाएंगे सड़कों पर और क्या है तंग करेंगे लोगों को। काम के हालात कैसे हैं? काम कुछ काम है ही नहीं, बिल्कुल काम नहीं, बेरोजगारी है, घर कोई ड्राइवर पैसा नहीं कुछ नहीं, मांग मांग के गुजारा कर रहे हैं। और ट्रेनें भी अब कुछ चल पड़ी हैं तो चल पड़ी, ट्रेनें में आता कोई नहीं, इसलिए हमारे आपके मालूम से ये गुजारिश है कि कुछ सोचना चाहिए उनके बारे में, कहाँ से करेंगे टैक्स वगैरह देंगे, कुछ गाड़ियाँ चलाएंगे क्या करेंगे। कुछ लोग ड्राइवर थे, ड्राइवर छोड़ के दूसरा काम भी कर रहे थे, कुछ कोई है हुआ ऐसे कुछ? कोई काम ड्राइवर क्या कर सकता है काम, भाई आप बताइए जो इसी लाइन में पड़ा हो तो क्या दुकान भी करेगा, उसको भी पैसे चाहिए, कहाँ से लेगा दुकान पर, तो इतने तो पैसे वाले तो है नहीं लोगों के बीच में। इसलिए हमारी यही गवर्नमेंट से गुजारिश है कि लोगों के बारे में सोचें। और ये थे इन्होंने बताया कि बुरी हालत है, कामकाज नहीं है। आप देख सकते हैं जिस तरह से सवारी भी जो आप इक्का दुक्का ही आप देख सकते हैं, सवारी भी ट्रेन पे तो चल पड़ी है मगर सवारी इक्का दुक्का ही है, सवारी भी इतनी नहीं है उस। आप देख सकते हैं कि एक जिस तरह से पहले सवारी काम था उसी हिसाब से सवारी नहीं है। ठीक है आप टैक्सी इसका हम जम्मू के स्टेशन के बाहर हैं। टैक्सी वालों की हालत आप देख सकते हैं, वो
सर आपका नाम? अजी रणवीर सिंह। रणवीर सिंह बताएंगे जो क्या हालात हैं काम के, आप थोड़ा सा रोशनी डालें। सर ये आपके सामने ही है, लास्ट ईयर भी कोरोना की वजह से बिल्कुल वहाँ एक सवा साल हो गया तकरीबन, तो बिल्कुल गाड़ियों को काम नहीं है। गवर्नमेंट कोई हमारे लिए कोई पैकेज नहीं दे रही है, कोई कुछ नहीं, सूझबूझ कुछ नहीं ले रही है, और जहाँ बिल्कुल काम नहीं है। और ट्रैफिक वाले पुलिस नाके जो लगा रखे हैं इन्होंने, वो इतना तंग कर रहे हैं कि पूछो मत। तो जो बसें हैं उनको फुल कैपेसिटी दी गई है कि पूरी जो है गाड़ी में बैठ सकते हैं। तो टैक्सी के लिए अभी कुछ नहीं बताया जा रहा है, कोई कभी बोल रहे हैं दो बैठा रहे हैं, सेवन सीटर में तीन बैठाएँ, जो फोर सीटर है उसमें दो बैठाएँ। तो बहुत ही बुरे हालत हैं, रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, ड्राइवर जो है वो दिहाड़ी लगा रहे हैं, गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिन्यू कराने के लिए पैसे नहीं है, इंश्योरेंस गाड़ियों की खत्म है, तो गाड़ियाँ कहाँ चलाएंगे। तो गवर्नमेंट आपके माध्यम से गवर्नमेंट को यही अपील करते हैं कि जो हमारा ख्याल रखा जाए, जो हमारे गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे हो सके, तो कैसे भी जो भी हमारे लिए काम लाएं, जो भी करें हमारे लिए, उन्होंने कुछ करना चाहिए। ट्रेनें भी कुछ चल पड़ी हैं, ट्रेनों में सवारी? ट्रेनें जो हैं पहले जम्मू में चलती, अभी कटरा के लिए भी शुरू की गई हैं, उसकी वजह से बिल्कुल यहाँ का काम बिल्कुल चौपट हो चुका है जम्मू के लिए खास करके। ये धर्मवीर सिंह जिन्होंने बताया कि काम की हालात बिल्कुल बद से बदतर हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए एक सवारी आई है और किस तरह से ये ड्राइवर, क्योंकि काम के हालात ही ऐसे आप नहीं बता सकते। देख सकते हैं, और प्राइवेट टैक्सी से ज़्यादा जो गवर्नमेंट जो प्राइवेट बसेस में भी सवारियां जा रही हैं। ये देखिए जिस तरह से आप टैक्सियों की तादाद देख सकते हैं, उस हिसाब से आप काम का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सवारी बिल्कुल नहीं है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहिए जेके न्यूज़ टुडे।